हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हम चेन को देखते हैं। वो जियाना को बचाने के पीछे एक ऐसे फॉरेस्ट में जा चुका था जहां पे चारों तरफ कोहरा और धुंध छाया हुआ होता है। वहां पे कोई तो होता है जो कि कैलीग्राफी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। चेन यहां सोचने लगता है कि आखिर इस फॉरेस्ट में इतने सारे घोस्ट और डेमन्स है तो कौन ही यहां पे है कि इस फॉरेस्ट में आकर के कैलीग्राफी की प्रैक्टिस कर रहा है। आगे उसे अपने सामने जियाना बेहोशी की हालत में वहाँ देखती है। उसके सामने वही डिवाइन शॉर्ट पी का एल्डर होता है और यही वहाँ पे कैलीग्राफी की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिसे देखते ही चेन उसे कहता है कि उसे कैलीग्राफी का तो इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन इसकी ये जो हैंड राइटिंग है काफी ज्यादा बेकार है। लगता है कि कोई भीगे ब्रश से बस ऐवे ही इसमें लाइंस बना रहा है जो कि देखने में बेकार और ओल्ड फैशन लग रहे हैं। और मैंने आज तक इतनी बेकार हैंड राइटिंग नहीं देखी है क्योंकि मुझे आज से पहले इन सब चीजों में इंटरेस्ट रहा ही नहीं। जिसपे वो एल्डर उसे कहता है कि मैं तो इस लड़की को चुपचाप यहाँ से अगवा करके ले जा रहा था, लेकिन जैसे ही मुझे इसके बारे में पता चला कि लिंग्यूंग सेक्ट का एक डिसाइपल ने टेम सेक्ट के लीडर हॉली को काफी आसानी से हरा दिया था इस लड़की को बचाने के लिए, साथ ही उसने लॉर्ड सोल वैली के भी लीडर जो कि विच प्रैक्टिस करती है उसे भी हरा दिया इस लड़की को बचाने के लिए, तो बस मेरा मन कर गया कि क्यों ना मैं भी तुम्हारा सामना करूं और देखे तुम में कितनी पावर्स हैं। और लिंग्यू सेट का ये एक मात्र डिसाइबल जिसने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए मार्क्स लगा रखा है, आखिर इस मार्क्स के पीछे कौन सा चेहरा है जो मुझे हराने की काबिलियत रखता है। अब इसकी बात सुनकर के चेन उसे कहता है कि जब वो हावली और वो राव ये दोनों सेक्ट के लीडर ही मेरा मुकाबला नहीं कर पाए तो तुम्हारी क्या मजाल होगी, अगर तुम हिम्मत भी करते हो तो तुम अपनी मौत के लिए तैयार रहना। जिसपे वो एल्डर उसे कहता है कि फ्लेम सेक्ट और वो लॉस्ट वैली सेक्ट ये दोनों ही मेरे डिवाइन शॉर्ट पीक सेक्ट का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि वो जो एल्डर है वही डिवाइन शॉर्ट पीक का सेक्ट लीडर सिंगबू है। जिसपे चेन उसे कहता है कि अभी भी उसने विचक्राफ्ट करने वाली एक औरत को हराया है और मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि तुम जैसे बूढ़े इंसान पे मैं अटैक करके तुम्हें हरा दूं। अच्छा हुआ कि मैंने मास्क पहना है, वरना अगर ये बात फैल गई कि तुम्हें एक मामूली से डिसेबल ने हरा दिया तो तुम्हारी रिपोर्टेशन तो खाक में मिल जाएगी। अब ये सुनकर के वो जो सिंगबू होता है वो गुस्से से तंतना जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम जरा जबान संभाल के बात करो और मेरे साथ रिस्पेक्टफुली पेश आओ वरना इसका अंजाम बुरा होगा। इतना कहते ही वो अपने ब्रश को चेन की तरफ फेंकता है जो कि उसका वेपन भी है। अब यहाँ पे वो जो एल्डर होता है अपनी पावर्स को अवेकन करता है और लगातार चेन पे अटैक्स पे अटैक करने लगता है। चेन इसके सारे अटैक को तो डॉज कर लेता है लेकिन यहाँ उसके बाल ही कट जाते हैं। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये यहाँ कैलीग्राफी की प्रैक्टिस कर रहा है या तलवारबाजी की, क्योंकि जिस तरह से वो एल्डर मूव कर रहा है चेन को ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो अगली बार किस डायरेक्शन से अटैक करेगा। आगे चेन उसके फास्ट मूवमेंट के अटैक से सिर्फ बच रहा होता है और आखिरकार उसके मूवमेंट को समझते हुए वो एक बड़े से रॉक से उस पे अटैक करता है, लेकिन वो होल्डर एक ही स्लैश में ही उस पत्थर के टुकड़े कर देता है कि तभी यहाँ पे चेन जो होता है अपने डिवाइन हैंड को अवेकन करता है और वो उस होल्डर को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, जिसे वो होल्डर तो पकड़ में नहीं आता लेकिन उसकी ब्रश ही टूट जाती है। अब आगे उस एल्डर ने यहाँ पे अपने शॉट को समन किया होता है और उसी वक्त वो अपने कई सारे क्लोन्स भी बना लेता है जिससे वो चेन को चारों तरफ से घेर लेता है और वो सारे क्लोन्स यहाँ एक साथ चेन पे अटैक करते हैं, जिससे बचने के लिए चेन एक शील्ड तो बना लेता है लेकिन अब भी वो सारे क्लोन्स बारी बारी से चेन पे अटैक कर रहे होते हैं। चेन यहाँ अपने बचाव में अपने डेविल हैंड को फिर से समन करता है जो कि इस एल्डर द्वारा किए गए सारे अटैक को आसानी से डॉज कर रहा था। आगे वो जो एल्डर होता है वो अपने शॉर्ट से तीन अलग अलग तरह के शॉर्ट्स को समन करता है। इतने बड़े बड़े तलवारें मिलकर के एक बड़े से क्रॉस का निशान बनाते हैं। चेन अब इस क्रॉस के अटैक से भी बच जाता है लेकिन अपने आप को इसी अटैक से बचाने के चक्कर में यहाँ जो चेन होता है से एक बड़ा सा शॉर्ट हिट करता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। अब आगे वो एल्डर उससे कहने लगता है कि अब बताओ मेरी कैलीग्राफी कैसी है, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि ये बेकार है। इस पे चेन जो होता है अपने डेविल हैंड के थर्ड फॉर्म को समन करता है जिसे वो एल्डर कई बार बचने की तो कोशिश करता है लेकिन फाइनली वो जो डेविल हैंड होता है वो उस एल्डर को धर दबोचता है। बागे चेन उसे कहता है कि वो जो फ्लेम सेक्ट का लीडर हावली, दूसरी वो लॉस्ट सोल वैली की जो राव थी, इनकी एनर्जी को मेरे डेविल हैंड ने अब्सॉर्ब कर लिया है जिसके कारण चेन की जो डाइको बॉडी टेम्परिंग स्किल्स है वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है और अब इस एल्डर की एनर्जी को एब्सॉर्ब करने की बारी है क्योंकि मेरे डेविल हैंड के सामने आज तक कोई टिक नहीं पाया है। जैसे ही ये बात चेन यहाँ पे कहता है हम उस एल्डर को देखते हैं कि वो जोर जोर से हंसने लगता है और इसने जो इतनी सारी कैलीग्राफी के पेंटिंग्स की होती हैं उस पेपर के अंदर से सारे इंक्स बाहर आने लगते हैं और उस डेविल हैंड को चारों तरफ से घेर लेते हैं के कारण वो जो एल्डर होता है वो अपने आप को इस डेविल हैंड से फ्री करवा लेता है और पहली बार ऐसा होता है कि कोई डेविल हैंड के चंगुल से बच चुका था और इस बात ने चेन को भी सरप्राइज कर दिया होता है। दूसरी तरफ वो जो एल्डर होता है उसे इविल इंक का यूज करते हुए एक ऐसा शॉर्ट फॉर्मेशन बनाता है
जिससे निकलने वाले जो लेटर्स होते हैं वो सीधा चेन पे अटैक कर रहे होते हैं। चेन इस वर्ड्स के अटैक से बचता हुआ भाग रहा होता है। इस पे एल्डर उसे कहता है कि मेरे इस अटैक का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तुम मेरे इस अटैक से कभी भी नहीं बच पाओगे। आगे वो जो लेटर्स होते हैं लगातार चेन पे अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन चेन के यहाँ जो टाइको बॉडी टेम्परिंग की जो लेवल होती है वो अभी इतनी ज्यादा हाई नहीं होती कि वो अपने और भी सुप्रीम स्किल्स का यूज कर सके। अगर इसी तरह से वो अपनी पावर्स का यूज करता रहा इन लेटर्स को रोकने के लिए तो जल्द ही थोड़ी देर में ही थक जाएगा, और उसके साथ वैसा ही होता है। वो काफी थक जाता है और उस लेटर्स के अटैक से नहीं बच पाता और नीचे गिर जाता है। अब आगे वो जो एल्डर होता है वो चेन से कहता है कि अब मैं तुम्हें अपनी असली तलवारबाजी की हाईएस्ट लेवल की ताकत दिखाता हूँ। इतना कहते ही वो अपने शॉर्ड ऑफ एम्परर को समन करता है, जिसकी एनर्जी इतनी ज्यादा तेज होती है कि वो चेन को यहाँ सप्रेस कर डालती है। और इसी टाइम पे ही ये सीन चेंज होता है और हमें लिंक्यून सेक्ट को दिखाया जाता है, जहाँ के एल्डर फांगा ने अपने ही सेक्ट को धोखा दिया होता है और उस सेक्ट का न्यू एल्डर बनने के लिए उसके जो पुराने एल्डर और मास्टर होते हैं उन्हें बंदी बना करके रखा होता है। अब आगे जो एल्डर फांगा होता है वो इन दोनों हेडमास्टर्स को मजबूर कर रहा होता है वो किसी भी तरह से सेक्ट का इंचार्ज उसे बना दे, ताकि वो इन तीनों पावरफुल सेक्ट के साथ मिल करके दीवाना की हेवनली स्पिरिचुअल बॉडी का यूज करें और ज़ेनियू वर्ल्ड को जल्द ही यूनिफाइड कर दें। जिस पे हेडमास्टर उसे कहते हैं कि तुम जैसा धोखेबाज मैंने आज तक नहीं देखा, जिस हाले में खाया तुमने उसी में छेद कर रहे हो, अपने सेक्ट को ही तबाह करने के लिए ज़ेनियू को यूनिफाइड करना चाहते हो। ये जान लो कि ज़ेनियू वर्ल्ड जब भी यूनिफाइड हो जाएगा और भी ज्यादा तबाही मचेगी। जिस पे एल्डर फांगा उनसे कहते हैं कि चाहे वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो चाहे कुछ भी हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस यहाँ का सबसे पावरफुल बंदा बनना है। आगे वो उन्हें किसी चीज को करने के लिए प्रेशर डाल रहा होता है और आगे उन्हें ये इन्फॉर्मेशन देता है कि बाहर कुछ गड़बड़ हो गई है। आगे एल्डर फांगा वहाँ से ये कहते हुए निकल जाता है कि इन दो बुड्ढों पर नजर रखना, इन्हें तब तक हमें जिंदा रखना होगा जब तक ये अपनी पूरी पावर्स मुझे ना ट्रांसफर कर दें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये मुझे अपनी शक्तियों के देने के साथ साथ अपने हाथों से ही मुझे ताज पहनाएं और इस लिंग्यून सेट का नया लीडर घोषित करें। अब आगे जो हेडमास्टर होते हैं यहाँ अपनी स्थिति पे काफी ज्यादा अफसोस करते हैं, उन्हें अपने ही एल्डर्स होने पे शर्म आती है, उन्हें इस तरह से कैद करके ह्यूमिलेट किया जा रहा है। आगे जो हेडमास्टर होते हैं वो उस लीडर को समझाते हैं कि तुम लिंग्यून सेक्ट के मास्टर हो तो तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए उपाय सोचना चाहिए, ना कि औरतों की तरह बैठ के यहाँ रोना चाहिए। आगे वो वहाँ से निकलने का उपाय सोचते हैं, जिसमें वो मास्टर को कहते हैं कि मेरी पूरी बॉडी को एनर्जेटिक कर दो, ताकि उसमें इतना ज्यादा एनर्जी का प्रवाह हो जाए कि वो ब्लास्ट हो जाए, के कारण ये जो शील्ड है वो भी ब्लास्ट हो जाएगी। अब सुप्रीम एल्डर के ऐसा कहने से मास्टर को ये काम करना ही पड़ता है। आगे हम मास्टर को देखते हैं कि वो अपनी सारी एनर्जी सुप्रीम एल्डर में डाल रहे होते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का भी डर था कि अगर वो अपनी सारी एनर्जी इस तरह से सुप्रीम एल्डर में डाल देंगे तो जल्द ही उनके अंदर इतनी एनर्जी भी नहीं बचेगी कि वो सांस ले सके। जिसपे सुप्रीम एल्डर उसे कहते हैं कि हमें ये करना ही होगा, क्योंकि हमारे पास बस यही एक तरीका बचा है। आगे उनके पास इतनी ज्यादा एनर्जी इकट्ठा हो जाती है जिसका यूज करके वो लिंग्यून सेट के ही एक पॉपुलर स्किल को अवेकन करते हैं। इसमें एक लोटस अपेयर होती है और वो लोटस इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि वो शील्ड को तोड़ डालता है। अब ऐसा करने की वजह से सुप्रीम एल्डर यहाँ पे हर्ट भी हो जाते हैं, लेकिन इस लोटस की एनर्जी को बनाए रखने के लिए उनके पास काफी टाइम कम होता है, इसलिए वो मास्टर सीरांग से कहते हैं कि मैं इस लोटस की एनर्जी को संभाले रखता हूँ और तुम ही यहाँ से बाहर निकलना, और हम दोनों में से कोई एक ही यहाँ से बाहर जा सकता है, इसलिए वो मास्टर सीरांग को वहाँ से भेजते हैं। अब आगे मास्टर सीरांग के वहाँ से निकलते ही वो शील्ड वापस से उसी तरह से बन जाती है। इधर दूसरी तरफ हमें चेन और एल्डर के बीच फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पे अब भी चेन उस एल्डर द्वारा किए गए अटैक से बच रहा होता है, लेकिन उस एल्डर ने एक ऐसी टेक्निक का वहाँ यूज किया होता है जिससे पूरी जमीन फट जाती है और उसके अंदर से यिंग यांग के एलिमेंट बाहर आते हैं। ये एलिमेंट्स बाहर आके ही एक बहुत बड़े शॉट का फॉर्मेशन करते हैं और वे बड़ी सी तलवार अपेयर होती ही यहाँ पे चेन पे अटैक करती है। अब चेन इस अटैक से काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, लेकिन वो जॉइंट शॉट फिर से उस पे एक घातक वॉर करती है जिससे चेन दूर एक पेड़ से जा टकराता है। लेकिन इससे पहले कि चेन अपने आप को यहाँ संभाल पाता है, वो जो एल्डर होता है एक और अटैक चेन पे करता है, जिससे वो जो शॉट होती है वो चेन को घसीटते हुए घुमा रही होती है। इससे पहले कि वो शॉट चेन पे एक आखिरी अटैक कर पाता, चेन यहाँ अपने आप को बचाने के लिए डिवाइन हैंड को समन करता है और इस अटैक को डॉश कर लेता है। लेकिन अब भी वो एल्डर लगातार चेन के डेविल हैंड पे अटैक करता ही जा रहा था। जो चेन होता है वो डेविल हैंड के अंदर तब तक सुरक्षित था जब तक वो अपने एंशिएंट टेम्परिंग बॉडी की टेक्निक को इम्प्रूव ना कर ले। आगे वो अपनी टाइको की प्रैक्टिस शुरू कर देता है ताकि वो और भी सुप्रीम स्किल्स को अनलॉक कर पाए। जब तक उसकी सुप्रीम स्किल्स अनलॉक नहीं होती, उसे ये अटैक सहना ही होगा। तभी हम देखते हैं कि वो एल्डर एक जोरदार अटैक उस डेविल हैंड पे करता है, जिससे उसमें एक होल हो जाता है।
कि तभी यहाँ पे चेन को एक ऐसी चीज दिखती है जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। अब ये डिसाइपल चेन की ही बॉडी होती है जिसके अंदर उसका एक्चुअल में नेटल सुपर पावर छुपा हुआ था, जिसे अब तक के उस दूसरे चेन ने एक्टिवेट नहीं किया था। अगर इस मैजिकल पावर को यहाँ पे चेन अवेकन कर डालता है तो वह किसी भी रियल्म के सुप्रीम लेवल पे जा सकता है। भाग्य चेन ऐसा ही करता है, उस दूसरी बॉडी के नेटल सुपर पावर को वो अवेकन करने की कोशिश करने लगता है। अगर वो इस सुपर नेचुरल पावर को अपने वॉरियर से मर्ज कर देता है, जिसके कारण अब उसके अंदर ऐसी असीम शक्तियां आ जाएंगी कि ये बॉडी डिस्ट्रॉय होने के बावजूद भी वो अपनी फिजिकल बॉडी को दोबारा से रीशेप कर सकता है इसी नेटल मैजिकल पावर का यूज करते हुए। और ये काफी अमेजिंग पावर होती है जो उसने अभी अभी पॉजेस की होती है, कि वो उस दूसरी बॉडी को नेटल सुपर पावर को पॉजेस कर लेता है, जिसके कारण यहाँ चेन के जो एंशियंट बॉडी टेम्परिंग टेक्निक्स होती हैं वो भी फोर्थ लेवल पे पहुँच जाती हैं। और अब आगे जो चेन होता है अपने सोल ईटिंग थंडर का यूज करता है, जिसका यूज करते ही वो उस बड़ी सी जैन शॉट के थ्रू वो जो एल्डर होता है उसे एक जोरदार शॉक देता है, जिससे वो एल्डर आखिरकार ये समझ नहीं पाता कि इतनी भयानक एनर्जी आखिर आ कहां से रही है। अब आगे जो चेन होता है इस एनर्जी को इतना ज्यादा और बढ़ा देता है जिससे उस एल्डर को इसे सह पाना नामुमकिन हो जाता है। अब ये थंडर बोल्ट के झटके उसके ऐसे लग रहे होते हैं कि एक ही पल में वो इस एल्डर की सारी एनर्जी को डिवोर कर जाता है। उसे इतना ज्यादा एग्जॉस्ट कर चुका होता है कि अब उसमें चलने की भी ताकत नहीं बचती। आगे उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो एक बहुत ही बूढ़े इंसान में बदल जाता है। आगे वो चेन से पूछने लगता है कि आखिर तुम एक्चुअल में हो कौन, जिसपे चेन उसे कहता है कि एक मरते हुए इंसान को ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। अब इतना कुछ होने के बावजूद भी उस एल्डर की अकड़ नहीं गई होती है। वो चेन को यहाँ धमकी दे रहा होता है कि ज्यादा एरोगेंट नहीं बनो, अभी मैं तुम्हें अपने नेटल स्किल्स को दिखाता हूँ। आगे वो अपनी भी नेटल स्किल को अवेकन कर देता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी से ईविल ऑरा रिलीज होने लगती है, जिसे देख के चेन उसे कहने लगता है कि अभी अभी जो मैंने प्रैक्टिस की उसके सामने तुम्हारी ये टेक्निक कुछ भी नहीं है। अब आगे चेन उस एल्डर पे एक और थंडरबोल्ट का झटका देने ही वाला होता है कि तभी आसमान में एक तेज एनर्जी हमें दिखाई देती है और एक नया कैरेक्टर वहाँ पे अपीयर होता है। अब ये तीनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं और ये समझ नहीं आता कि आखिर ये नया कैरेक्टर कौन आ गया। अब वो जो ओल्ड एल्डर होता है वो उस बंदे से पूछने लगता है कि आखिर तुम कौन हो, हमारे फाइट को इस तरह से रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जिस पे वो बंदा उस बुढ़े से कहता है कि तुम बहुत बकबक करते हो, मात्र अपनी एक चुटकी बजाता है जिससे एक बहुत बड़े थंडर बोल्ट उस एल्डर पे गिरता है। मात्र कुछ सेकंड में ही उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब आगे उस बंदे को हम देखते हैं जो कि ये कहते हुए जियाना के पास चला जाता है। मार्शल आर्ट का ये जो वर्ल्ड है वो काफी ज्यादा नोइजी है, जिसके कारण कोई बंदा शांति से अपना काम भी नहीं कर सकता। इतना कहते ही वो जियाना को लेकर के वहाँ से जाने लगता है, जिसे चेन उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम हो कौन, क्योंकि तुमने अभी भी जो ट्रिक की है वो मेरे सीनियर फ्रेंड के द्वारा यूज की जाती थी। जिसपे वो बंदा कहता है कि मैं तुम्हारी किसी फ्रेंड को नहीं जानता। चेन उसे कहता है कि जल्द से जल्द जियाना को नीचे रख दो, वरना बाकियों की तरह भी मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसपे वो बंदा हंसने लगता है और चेन से कहता है कि मुझे तुम्हें मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इससे पहले कि हमें उसकी आइडेंटिटी बताई जाती, ये एपिसोड यहीं फिनिश किया जाता है। तो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज हमें अप्रिशिएट करने के लिए एक लाइक तो बनता ही है। जल्द से जल्द ढेर सारे कमेंट और लाइक कीजिए ताकि अगला एपिसोड में और भी जल्दी ला सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।